अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन क्रीमी मलाई बूंदी, और इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, और मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 कप दही ऐड करूँगी और 1/2 कप क्रीम ऐड कर दूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करूँगी और लेमन जूस ऐड करूँगी 1 tablespoon के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनकी डिटेल आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, हमें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपको इसकी रेसिपी फुल मेजर के साथ डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको रैप कर दूँगी बिल्कुल पैक, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके थे तो ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इन्हें स्क्वेयर्स पर लगाऊँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्क्वेयर्स लिए हैं। चिकन है और शिमला मिर्च और प्याज को मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। अब मैं यहाँ पे एक अनियन ऐड करूँगी, चिकन का पीस और शिमला मिर्च। इसी तरह हम ये कंटिन्यू करेंगे और रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये मैंने बना लिए हैं। इनको इस तरह से फ्राई करना बहुत ही इजी हो जाता है। अब सेम प्रोसेस से हम सारे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब रेडी कर लिए हैं, ये तकरीबन 12 के करीब रेडी हो गए थे। और अब हम यहाँ पे इनको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 tablespoon ऑयल लिया था, और आप ये देखेंगे ये बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, और ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। आप बहुत ही कम ऑयल में इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, इसमें इतना ऑयल नहीं लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं, तो मैं इन्हें टर्न कर रही हूँ, और हम इन्हें इस तरह ही टर्न करते रहेंगे। और ये देखें, ये बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर हो चुका था, तो अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। ये बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह इन्हें हमें फ्राई करना कितना इजी हो गया है, आप ये भी देख सकते हैं। और ये है इनकी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।